very good morning, Achal Singh this side from Glitter D Pearl Farms, the owner and the founder of the company as well. And I welcome you back on my channel. And this is a fantastic weather going on over here. बहुत ही ठंडा है और अभी हम जहाँ पर आ गए हैं हम उनके ओनर से बात करते हैं. पीछे एक बार पॉन्ड देख लेते हैं, पॉन्ड हमारा कैसा बना हुआ है. एक बार पॉन्ड की तरफ ले जाइए, थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि वो पॉन्ड देख सकें. ये पॉन्ड बना हुआ है, इसका साइज क्या है, डिमेंशन के पीछे से लेना ताकि पूरा दिखेगा. इसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, कितने हम मदल से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम पॉन्ड ओनर से अभी बात करते हैं तो हमें क्लैरिटी आएगी. चलिए तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले सर से, सर आपका नाम बता दीजिए. सर सुधीर कुमार. अच्छा सुधीर जी, गांव का नाम क्या है? जगनेरा. ये कहाँ पड़ता है? ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में. आगरा डिस्ट्रिक्ट में. गांव क्या बोला आपने, फिर से बोला? जगतूपुरा बसई जगनेरा. जगतूपुरा नाम है इस गांव का और ये आगरा में पड़ता है और इससे बिल्कुल टच होता हुआ राजस्थान बॉर्डर है और यही भरतपुर, बयाना, ये सब आसपास है और धौलपुर. धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका. तो आप अगर कभी भी विजिट करना चाहें तो अभी सर का नंबर और कमोद जी का नाम, कमोद जी से भी मैं इंट्रोडक्शन लूंगा क्योंकि कमोद जी मेरे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे जिनसे मैं मिला और जिन्होंने ये सारा प्रोसेस यहाँ तक लाया. ये भी आए थे उनके साथ उस दिन, दोनों ने मिलकर बहुत ही बढ़िया काम किया. जैसा हमने पॉन्ड देखा, बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से बनाया गया. तो ये जो पॉन्ड का साइज है वो क्या है? 100 फीट लंबा है, 80 फीट चौड़ा है और 12 फीट गहरा है. 14 फीट गहरा है. ये हो गई आधी इन्फॉर्मेशन और बाकी आधी हम कमोद जी से लेंगे. कमोद जी आपका नाम मैंने वैसे बोल दिया, कमोद एक बार ऑलरेडी. आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ. तो आप दोनों फ्रेंड्स हैं? हाँ. अच्छा बचपन से फ्रेंड्स हैं, मुझे बात हो रही थी. हाँ, आज सुबह तो मुझे बता रहे थे वो. हाँ. अच्छा तो आपको मेरे बारे में कैसे पता लगा? यूट्यूब पर वीडियो देखते थे. चार साल से फॉलो कर रहे हैं आप मुझे? बहुत बढ़िया. तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे और भी किसी से बात की आपने इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई और जो भी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग किसी और से बात की आपने मेरे अलावा जो आपको लगा के बात कर सकते हैं एक बार, या कहीं जाके विजिट किया? आपसे बात की थी हम लोग. अच्छा पहले तो आपसे बात की. तो आपने मेरा कोई प्रोजेक्ट विजिट किया अभी तक? नहीं सर, अभी कोई नहीं किया. कोई भी विजिट नहीं किया अभी तक? रिसर्च फ्रॉड तो कहीं है ही नहीं सर. आपने इतने सारे पेमेंट कर चुके हैं, आपने पता है पूरे इंडिया में. चार साल से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और कमोद जी और सुधीर जी मेरे पास आए थे और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, गांव में ही रहते हैं. गांव बहुत बड़ा तो नहीं है, 1000-1200-1500 लोगों की आबादी होगी यहाँ पर, 1500 लोगों के आसपास की. और दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा एक एफर्ट किया है. एक महीने से दोनों लगे हुए हैं, लगातार मुझसे बात कर रहे थे. ये कितने मजल्स का प्रोजेक्ट है? 25,000 ऑयस्टर्स का ये प्रोजेक्ट है हमारा और ये 50 तक जा सकता है, ज्यादा भी जा सकता है. ये स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, एक बार देखना चाहते हैं कैसा क्या रिजल्ट रहेगा. धीरे 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 हो सकता है ये 25,000-30 हो जाए, 50 हो जाए, इसी सीजन में कोई बड़ी बात नहीं. जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, जैसे पैसे की व्यवस्था होगी वैसे किया जाएगा. वेरी ऑनेस्ट आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लेटेंट ऑन योर फेस. सो 25,000 सीप का ये प्रोजेक्ट है और अभी इसमें आपने देखा होगा 3-4 फीट के आसपास पानी भर दिया गया है और इसमें अभी आज हम फीड डिप्लॉय करने वाले थे लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी रह गई तो वो फीड वो सुधीर जी खुद कर लेंगे. मेरे हिसाब से मैं आपको सिखा के जाऊंगा सारा कैसे करना है, क्या करना है. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सभी लोगों से कि भाई जो भी व्यक्ति के साथ आप जुड़े, चाहे मेरे साथ जुड़े चाहे किसी के भी साथ जुड़े, रिसर्च वर्क जरूर करें. किसी के भी साथ जुड़ने से पहले, किसी के भी साथ जुड़ने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्या बोलते हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ रहे हैं उससे 4-5 लोगों के नंबर ले लें जो मतलब ऑलरेडी उसके साथ पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं एक्टिवली. ऐसा नहीं कि किसी का भी नंबर ले लिया, जो एक्टिवली मतलब अभी भी उसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए आज मैं इन दोनों का वीडियो शूट कर रहा हूँ, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो मैं इनका नंबर आपको दूंगा और अगर आप बात करना चाहें तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं. अगर इसमें डलवाना चाहें आप अपनी सीप तो डायरेक्टली कमोद जी से बात कर सकते हैं, कमोद जी आपको बता देंगे. जैसा हम हमेशा बोलते हैं 40 रुपये प्रति सीप हम लोग चार्ज करते हैं और 10 रुपये कमोद जी को चला जाएगा पर मजल. तो आप कमोद जी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. कमोद जी अपना एक बार नंबर शेयर कर दीजिए प्लीज. 8171545524. एक बार आप बोल दीजिए. 8171545524. ये कमोद जी का नंबर है सर आपका? 8533922944. एक बार और बोल दीजिए. 8533922944. ये सुधीर जी हैं, ये कमोद जी हैं. किसी को भी फोन कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा. मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर लिख लीजिए, 9711858258. ये मेरा नंबर है. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरे सारे नए नोटिफिकेशन आते रहें. ग्लिटर डी पर्ल फार्म्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बाय 2023 वी विल टच 100 CR एज इन रेवेन्यू. सो पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड, आई एम रियली सॉरी, दैट्स योर बैड लक. एंड पीपल हु हैव जॉइंड हैंड्स लाइक सुधीर एंड कमोद, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट. बिकॉज सी वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आज जो बिजनेस, आज से 5-7 साल पहले जो जानता भी नहीं था कि पर्ल फार्मिंग होती क्या है,
आज उसमें इतने लोग आ गए हैं कि ग्लिटराटी हैज टच्ड एज अ कंपनी मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। आज हम 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं पूरी इंडिया के अंदर और लगातार हम सबके पेमेंट्स भी दिखाते हैं टू मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैं आप दोनों से एक एक सवाल करूंगा उसके बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे। कमोजी नए लोग आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूट्यूब पे जो हम देखते हैं बहुत लोग हैं पर्ल फार्मिंग में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं रॉ मटेरियल भी बेच रहे हैं और जो नए व्यक्ति होते हैं जैसा आज मैं ही हूँ अगर मान लीजिए मैं नया व्यक्ति हूँ और आप यूट्यूब पे हैं तो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं किसी के भी साथ जाने में। उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे घर के पास रहता है उसके साथ मुझे जुड़ जाना चाहिए मुझे काम करना चाहिए फिर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो नए हैं पर्ल फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि उनको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी व्यक्ति से जुड़ने से पहले? अच्छी तरह से देखभाल करके एक आध दो प्रोजेक्ट देखे जाओ उसके बाद उससे मिलना चाहिए। सही बात है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कमोजी भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़िए आप उससे 4-5 लोगों के नंबर जरूर लीजिए जो एक्टिवली उनके साथ पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं और ऐसे 4-5 लोगों के नंबर लीजिए जिनको वो पेमेंट कर चुके हैं। बिना इस जानकारी के बिल्कुल किसी के साथ मत जुड़िए। बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है ऑलरेडी बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है इतने मैं मतलब बता नहीं सकता 4-5 लोग डेली मेरे पास आते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने रोहतक में शूट की थी अरुण जी के साथ मैंने उसमें भी बोला था फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ या किसी सेंटर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ वो मेरा काम नहीं है। ये आपका आपको समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति से जिससे हम जुड़ रहे हैं आज वो YouTube पे चाहे पहले दूसरे तीसरे पे ट्रेंड कर रहा हो कहीं भी ट्रेंड कर रहा हो लेकिन उसकी जानकारी जरूर जुटाइए। सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया यूट्यूबर्स ने। मैं सख्त खिलाफ हूँ यूट्यूबर्स के किसी भी बिजनेस से रिलेटेड। आज आप वो कहीं भी पहुंच जाएंगे गन्ने की खेती दिखाएंगे जी इससे हो गया जी 100 करोड़ पैदा। ऐसी नॉनसेंस में बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। चंदन की खेती कर लो इसकी कर लो और 100 करोड़ के मालिक बन जाओ ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट अपने आप में बैलेंस है आप ना उससे ज्यादा कमा सकते हैं ना कम कमा सकते हैं। फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए सतर्क रहिए बार बार मैं बोल रहा हूँ रोज मेरे पास फोन आ रहे हैं हमारे साथ ये हो गया हमारे साथ वो हो गया ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ जुड़ रहे हैं उसे 3-4 सवाल करने हैं बस। पहला आप कब से कर रहे हैं और मुझे कुछ 5 लोगों के नंबर दीजिए जिनको आपने आज तक करवाया। दूसरा आज तक आपने कितने लोगों को पेमेंट की है। तीसरा आप बायबैक की गारंटी मुझे क्या दे रहे हैं। अगर मुंह से दे रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है लिखित में गारंटी चाहिए और लिखित में चाहिए तो भाई साहब आपकी कंपनी का नाम क्या है प्राइवेट लिमिटेड है प्रोप्राइटरशिप फर्म है क्या है आपके पास। बिना ये जानकारी जुटाए अगर आप किसी के साथ भी जुड़ रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। सबसे बड़े मूर्ख तो आप खुद कर रहे हैं अपने पैसों में खुद आग लगा रहे हैं। बस किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाली उसके 6 लाख व्यूज आ गए क्योंकि एक यूट्यूबर है जिसके ऑलरेडी 23-24 लाख सब्सक्राइबर हैं तो बहुत आसान था उसके लिए वो लाना। ऐसी बेवकूफियों में बिल्कुल ना पड़े सतर्क रहें सावधान रहें वरना पैसा आपका बर्बाद होने में 1 मिनट नहीं लगेगी वो आदमी आपसे पैसा लेगा और पल्ला झाड़ लेगा। आज ग्लिटराटी पर्ल फार्म्स को आज 12-13 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते करते 14th ईयर है हमारा ऑलमोस्ट। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि जो मार्केट के अंदर लोग घूम रहे हैं आज वो सिर्फ या तो ट्रेनिंग दे रहे हैं और या फिर रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। प्रोजेक्ट की तो आप बात ही मत कीजिए। आप किसी से पूछ के देखिए अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो जो लोग यूट्यूब पे आज आपको पर्ल फार्मिंग के नाम पे दिखते हैं वो अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोद लेते हैं या एक्वेरियम में कर लेते हैं या ये जो सीमेंट के टैंक होते हैं उनमें कर लेते हैं। उसके बाद वो लोगों को पागल बनाते हैं कि क्या बोलते हैं आप यहाँ से कीजिए वैसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए हम माल बिकवा देंगे आपका माल वहाँ बिक जाएगा यहाँ बिक जाएगा। कहीं कोई माल नहीं बिक रहा इंडिया में। आज अगर कोई 10,000 पर्ल बेचता है वो मेरे पास ही आएगा इंडिया में माल कहीं भी बेच लीजिए आपको वो घूम के मेरे पास ही आएगा बंदा कि भाई साहब ये माल आया हुआ खरीदोगे क्या। तो बेवकूफ़ मत बनिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन मिथ इट्स योर चॉइस। अगर आपको झूठ में रहना है और आपको खुश होना है अपनी झूठे ईगो के साथ तो योर कॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है नुकसान आपको होगा एंड ऑफ द डे। तो ये सब हो गई प्रोजेक्ट की बात अभी हम इसमें फीड डाल देंगे। ये हमने सारी बात की पर्ल फार्मिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। सतर्क रहिए सावधान रहिए वरना नुकसान होने में देनी लगेगी। ये पॉन्ड हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट पानी भर चुका है फीड इसमें कल डल जाएगी 15 डेज के अंदर और ये पानी हरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे पानी हरा होगा कमोज जी मुझे कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद हम इसके अंदर मजल्स हैंग कर देंगे। मजल्स 20-25 दिन से 30 दिन तक इसमें हैंग रहेंगी विदाउट सर्जरी। उसके बाद हमारी टीम फिर से आएगी और फिर उसके बाद फाइनल सर्जरी होगी। तो मेरे हिसाब से आज अगर तारीख हो गई है 15 तो लगा लीजिए मेरे हिसाब से 30 तारीख तक ये हरा हो जाएगा पानी और फिर जनवरी एंड तक या जनवरी 25 तारीख तक ये लटकी रहेंगी और उसके बाद इनकी सर्जरी स्टार्ट होगी। तो मेरे हिसाब से फरवरी 1st वीक में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इनका। तो कोई भी व्यक्ति आज जो पर्ल फार्मिंग करना चाहता है उसके लिए जो सीज़न होता है वो नवंबर से लेकर मार्च तक लास्ट करता है उसके बाद सीजन क्लोज हो जाता है। जो लोगों की फरवरी तक पॉन्ड में मसल्स हैंग हो चुके हैं उनका ही मार्च में नंबर आएगा वरना किसी का नहीं आएगा। तो जो लोग डिले और लेट कर रहे हैं आई एम रियली सॉरी आपको मैं लास्ट टाइम पर एंटरटेन नहीं करूंगा चाहे आपकी मेरे से 4 महीने या 6 महीने से बात हो रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप लेट होंगे आपका प्रॉब्लम है।
तो मैं यही कहूँगा जो लोग आज पर्ल फार्मिंग करना चाहते हैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन जुटाएं, थोड़ा सा जल्दी करें, सीजन ऑन है, पीक पे है, सीजन निकल जाएगा, फिर आपको अगेन अगस्त सेप्टेम्बर तक वेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो मैं नहीं चाहूँगा आपको इतना लंबा वेट करना पड़े। तो फिर से मैं अपना नंबर बता देता हूँ एक बार, 9711858258, ये मेरा नंबर है। और कमोद जी और सुधीर जी का नंबर आपको मिल ही चुका है। आप अगर इस पॉन्ड में अगर डलवाना चाहते हैं, जो कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है GGPP के नाम से, ग्लिटराटिक ग्रुप पर्ल प्रोडक्शन के नाम से, इस पॉन्ड में अगर आप डलवाना चाहते हैं सुधीर जी को या फिर कमोद जी को डायरेक्टली फ़ोन कर लीजिए, वो आपका नंबर लिख लेंगे, सब इन्फॉर्मेशन लेके मुझे कॉल कर लेंगे। यही टाइम है, इसके बाद वो एक बार अगर मदर्स इनके पॉन्ड में हैंग हो गया तो फिर हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आसपास के एरिया में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो अपनी 5,000-10,000 सीप डलवाना चाहता है तो आप डायरेक्टली इनको कॉल कर लें, आराम से डल जाएंगे। क्योंकि अभी ये 25 डाल रहे हैं, 30 तक डाल लेंगे ज़्यादा, फिर भी 15-20,000 सीप की जगह बचेगी। उससे दो फायदे होंगे, इनकी भी कॉस्ट कम होगी और आपकी भी कॉस्ट कम होगी। अगर आप खुद से करेंगे तो कॉस्ट जाएगी 55-60 रुपये के आसपास, अगर आप इनकी में डालेंगे तो वही 50 रुपये के अंदर सीमित हो जाएगी। इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं होती, 50 रुपये फिक्स्ड होता है, 40 रुपये ऐसे कंपनी हमें जाता है जिसमें आपको मजल्स, न्यूक्लियर, सर्जरी, सर्जिकल टूल और नट बैग, ये 5 चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा जो 10 रुपये होते हैं वो पॉन्ड ओनर को जाते हैं, क्योंकि वो आपको पॉन्ड दे रहा है, जगह दे रहा है, पानी दे रहा है, फीडिंग दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, लेबर दे रहा है, सारा ख्याल वही रख रहा है। सो 10 रुपीज़ पर मजल गोज टू द पॉन्ड ओनर। आज के लिए मेरा संदेश इतना ही। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेरे कुछ और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। ग्लिटराटी पर्ल फार्म्स इज फेचिंग फ्यू मोर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। हो सकता है बहुत जल्दी नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने वाले हैं। गवर्नमेंट के लिए हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने बैक कर लिए हैं और आपको धीरे धीरे देखते जाएंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, किसी गधे के चक्कर में मत पड़िएगा। बी स्मार्ट एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। थैंक यू।